अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त और सब भाई सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज मैं आपको रेशमी धागे से और सेम धागे से और ब्लैक कपड़े से इसके ऊपर आपको डिज़ाइन न्यू बनाना तरीका बताएंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल बताएंगे आपको। दोस्तों जो हमारा ब्लैक कपड़े के साथ उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं फ्रंट पट्टी का पीस बुकरम का। उसके बाद दोस्तों हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं फ्रंट पट्टी का पीस बुकरम का। सबसे पहले दोस्तों हम लगाते हैं ठोकरे का निशान जितना हमने तैयार करना हो हम इतना हम तैयार करके आप यहाँ पर हम इसको लकीर लेते हैं। आप इस तरीके से इसको लकीर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपने 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना। उसके बाद आपने तकरीबन दोस्तों आपने तकरीबन 3-3 सूत्र आपने इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको लकीर लेना है दोस्तों जी। दोस्तों इस तरीके से हमने जो निशान लगा लिया अब हम इसको इस तरीके से लकीर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ थोड़ा सा इसको तरीशा लकीरेंगे जी। इस तरीके से आप इसको लकीर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम इसको कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपने इसको इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। आज हम आपको फ्रंट पट्टी और फ्रंट जेपोकड़ के ऊपर न्यू डिज़ाइन बनाने का तरीका बताएंगे। आप हमारी वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जी देखिए आपने उसके बाद आपने बुकरम का पीस लेना जितनी आप फ्रंट पट्टी की चौड़ाई होगी। और उसके बाद दोस्तों आप ले फ्रंट पट्टी फ्रंट जेब का पीस जो आपने काट निकाला हुआ फ्रंट पट्टी का कटिंग किया था उसी पीस को लेकर आपने इस तरीके से आपने इसको ऊपर इसको रख कर आपने इसको लकीर लेना। दोस्तों आपने इस तरीके से इसको हम इसके ऊपर मैच करेंगे। इसको हमने इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाते जहाँ पर, तो फिर हम दोस्तों इसको इस तरीके से लकीर लेंगे। तो आपने जो दूसरा पीस हमने कटिंग किया था इसको इसके ऊपर रखकर इस तरीके से इसको हम लकीर लेते हैं। दोस्तों जी देखें हमने इसको लकीर लिया है। ये हमारा फ्रंट पट्टी का पीस फ्रंट जेब का पीस है दोस्तों जी। जी देखिए दोस्तों आपने इसको कटिंग कर लिया। आप इसको इसको भी इस तरीके कटिंग कर ले। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं फ्रंट पट्टी का कपड़े फ्रंट पट्टी का कपड़े का पीस दोस्तों। इसको इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों लेते हैं बुकरम का भी फ्रंट पट्टी का, तो हम इसको इस तरीके से रखकर इसको आप प्रेस कर लेते हैं। नीचे से आप कपड़ा छोड़ लीजिएगा जी। दोस्तों आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा जी। देखिए हमने इसको प्रेस कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपने प्रेस कर लें। उसके बाद दोस्तों आपने इसको कटिंग करेंगे जी। आपने दोस्तों बेहतरीन तरीके से इसको प्रेस कर लेना है दोस्तों जी। देखिए हमने प्रेस कर लिया है। उसके बाद लेते हैं फ्रंट पॉकेट का पीस, उसको भी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे पहले हम। उसके बाद आपने वो बुकरम वाला जो पीस होगा फ्रंट पट्टी का जो आपने कटिंग किया हुआ है उसको आप इसके ऊपर रखकर इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा जी। जैसे दोस्तों हमने इसको प्रेस कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अब हमने इसको दोस्तों कटिंग करना है। दोस्तों जो आपने जो कटिंग कर ला हमने उसके साथ आपने 2-2 सूत्र कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कटिंग कर देना है। यहाँ पर हम टक लगा लेते हैं जी। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से इसको तैयार करेंगे अब हम जी। दोस्तों जो देखिए अब हमने इस तरीके से इसको प्रेस कर लिया है। अब इसको प्रेस कर लिया, उसके बाद लेते हैं फ्रंट पट्टी का पीस। उसको भी दोस्तों आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। उसके बाद आपने इसको भी इस तरीके से कटिंग करने के बाद दरमियान पे कोने पर आप कट लगा लें। उसके बाद कलर लगाकर आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा जी। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको फोल्ड कर लेना है जी। दोस्तों जी हमने फोल्ड कर लिया। अब दोस्तों हम लेते हैं ब्लैक कपड़ा का पीस। दोस्तों उसको आपने इस तरीके से कपड़े का पीस ले लें। उसको आपने इस तरीके से दरमियान से फोल्ड कर लें जी। इस तरीके से दोस्तों आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा जी। जी देखिए दोस्तों आपने फोल्ड कर लिया। दोस्तों हमने क्या करना है, अब इस तरीके से हम इसको कटिंग करके इसके हिसाब से तो इसके ऊपर कलर लगाते हैं कोने पर ऊपर तरफ। दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पर कलर लगा कर इसको ब्लैक पीस को इसके साथ चिपका देंगे। हम सीधी साइड कर लेते हैं फ्रंट पट्टी की, ब्लैक पीस नीचे रखेंगे। दोस्तों आपने इस तरीके से नीचे की तरफ हाँ दोस्तों तकरीबन 1.5 सूत्र आपने इस तरीके से ब्लैक कपड़ा आपको नज़र आना चाहिए जी। दोस्तों ये देखें हमने यहाँ पर रखेंगे इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 सूत्र आपका नीचे वाला ब्लैक कपड़ा नज़र आना चाहिए। बाकी कपड़ा आपने इस तरीके से इसको क्लोज़ कर देना है। दोस्तों ये देखें हमने इसको प्रेस कर लिया है। इस तरीके दोस्तों आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप सेम कपड़ा ले लें, उसका एक टोटे का कपड़े का पीस ले लें सेम। उसको इस तरीके से आपने कलफ लगा कर आपने इसको इसके ऊपर रखकर 2-2 सूत्र दबा देकर आपने इसको प्रेस कर देना है जी। आपने इस तरीके से इसको प्रेस कर दीजिएगा जी। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर इसको प्रेस कर लिया। उसके बाद आपने बुकरम वाला जो छोटा पीस हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसको आपने इसके ऊपर रखकर आपने इसको प्रेस कर देना है
जी दोस्तों, इस पीस को हमने इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस कर देंगे। जी दोस्तों, जी देखें, हमने इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने जी दोस्तों, फिर आपने जो बुकरम वाला जो पीस होगा, आपने इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है। अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस कर लिया दोस्तों, देखें हमने इसको प्रेस कर लिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, वो बाद में आपको तरीका बताते हैं। जी दोस्तों, जी देखें, हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर कल्फ लगा कर हमने यहाँ पर इसको ब्लैक कपड़ा इसके साथ लगा लेते हैं, जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर लगाया था। जी दोस्तों, जी देखिए, अब हमने इस तरीके से इसको नीचे रखकर इसको अब प्रेस कर देंगे। जी, जितना दबाव आपने फ्रंट पट्टी का दिया था, इतना ही आपने इसका दबाव दे दें। जी इस तरीके दोस्तों, आपने इसको प्रेस कर देना अच्छे तरीके से, आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। जी आप इस तरीके अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर दें दोस्तों। जी देखिए, हमने ब्लैक कपड़ा भी इसके साथ भी अटैच कर लिया दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो सेम कपड़ा ले लें जी, उसको भी इसी तरीके से जिस तरीके से आपने फ्रंट पट्टी को तैयार किया था, इसी तरीके से आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर रखकर आप इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने बुकरम का पीस ले लें, एक्स्ट्रा बुकरम का पीस लें, जितनी आपकी जो देखिए फ्रंट पॉकेट की चढ़ाई होगी, उतना आप इस तरीके से लंबाई के हिसाब से आपने इस तरीके से इसके ऊपर रखकर आपने इसको प्रेस कर देना है। जी दोस्तों, ये देखिए, हमने इस तरीके से आप इसको प्रेस कर देते हैं। जी दोस्तों, आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद हमने जी हमारे दोनों पीस दोस्तों तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, हमने दोनों पीस को साथ ब्लैक कपड़ा अटैच कर लिया दोस्तों। अब लेते हैं हम रेशमी धागा दोस्तों, इस धागे से हम फिर के अंदर डबल भरेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम सिलाई किस तरीके से लगाएंगे वो आपको बता देते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाते हैं इस तरीके से। आप हमने एक पैर के वक्फे से इस तरीके से इसको लकीरेंगे जी दोस्तों। जहाँ तक हम यहाँ पर सिलाई ख़त्म कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सिलाई ख़त्म करेंगे। आप फ्रंट पॉकेट के ऊपर भी हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं, निशान लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखें, हमारा 3 इंच का कट था तो हम लगाते हैं 2.5 इंच का निशान यहाँ पर जी। इस तरह दोस्तों, यहाँ तक हम सिलाई मुकम्मल कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों, अब हमने क्या करना है, रेशमी का सेम हम फिर के अंदर डबल भर लेते हैं दोस्तों। हम डबल धागा रेशमी के अंदर भर लिया है दोस्तों। हमें ट्रिपल धागा भरेंगे फिरकी के अंदर, हमने डबल नहीं ट्रिपल धागा भरना दोस्तों। ये देखें, हमने ट्रिपल धागा फिरकी के अंदर भर लिया दोस्तों। नीचे हमने ट्रिपल धागा लगा लिया रेशमी फिरकी के अंदर, ऊपर हम लगाते हैं ब्लैक धागा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं दोस्तों। जो हमने निशान लगाया हुआ वहाँ तक आप जो सिलाई उसके ऊपर लगा लीजिएगा। और इस तरीके दोस्तों, आप सिलाई लगा लीजिएगा और यहाँ से हम सिलाई को बाहर निकाल देंगे। और जैसे दोस्तों, हमने ये सिलाई बेहतरीन तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, हम फ्रंट पट्टी के ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं जी। इस तरीके दोस्तों, अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं, इसको मुकम्मल कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने जो दोनों पीसों पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दोस्तों, हम आपको एक तरीका बताते हैं इसके ऊपर दोस्तों। आपने जी दोस्तों, इसके ऊपर हमने इसको गिरा लगा कर दोस्तों, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्लैक धागे से इसके ऊपर हम डोरी जैसा डिज़ाइन बनाएंगे दोस्तों। ब्लैक धागा सुई के अंदर आपने डबल डाल लेना इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने, अब आपको हम एक न्यू तरीका बताते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपने जब सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद आपने इस तरीके से ब्लैक धागा सुई के अंदर डाल लीजिएगा। फिर आपने इस तरीके से धागे को घुमा घुमा कर आपने इस तरीके से सिलाई लगाते रहिएगा दोस्तों। जो रेशमी सिलाई आपने लगाई हुई है, इसके साथ आपने हर टांके के साथ आपने नीचे से इस तरीके से, फिर आपने इस तरीके से इसको परोते रहिएगा दोस्तों। ये देखें, हमने इस तरीके से इसको लगा लेंगे तो हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होगा दोस्तों। जिस तरीके से हमारी, आप अक्सर देखते हो डोरी किस तरीके से तैयार होती है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम डोरी जैसा ही डिज़ाइन बनेगा। जिस तरीके से आप देखेंगे, ये देखें इस तरीके से, ये ऐसे लगेगी जैसे हमने डोरी लगाई हुई है। तो इस तरीके दोस्तों, आप इसको इस तरीके से लगाते रहिएगा दोस्तों। आपने बिल्कुल टांके के नीचे से आपने इस तरीके से सुई को गुजार कर, तो आपने इस तरीके से घुमाते रहिए कि दोस्तों, इस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे जी। जैसे दोस्तों, आप इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा जी दोस्तों। इस तरीके से आप इसको मुकम्मल करेंगे। जो देखें, हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो रहा है इस तरीके, जैसे जिस तरीके से हम ये डोरी लगा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से रेशमी सिलाई लगाने के बाद आपने ब्लैक धागे से इस तरीके से आपने इसको सिलाई करना है। और दोस्तों, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन जो हमारा आप देख रहे हैं। इस तरीके दोस्तों, मज़ीद डिज़ाइन हमारे देखने और सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी पर आपको हमारे हम आपको हमारे चैनल पर न्यू से न्यू डिज़ाइनें सीखने को और देखने को मिलेगी।
और जेंट्स कटिंग और सिलाई को सिलाई भी आपको सीखने को देखने को मिलेगी, इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और जी दोस्तों, इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। जी दोस्तों, ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जी दोस्तों, ये देखें अब हमने इस तरीके से इसको बना लेते हैं। जी दोस्तों, अब हमें इसको मुकम्मल कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, हमने अब इसको मुकम्मल कर लिया। हम नीचे से हमें धागे को इस तरीके से यहाँ से नीचे ले जाते धागे ब्लैक को, तो नीचे हम गिरा लगा देंगे। दोस्तों ये देखिए, हम नीचे से हम इसको गिरा लगा लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा बेहतरीन दिख रहा है, डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इसी तरीके दोस्तों, आपने फ्रंट जेब ऊपर भी इस तरीके से आप तैयार कर लें। दोस्तों ये देखिए, हमारे दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों, आप सेम धागा ले लें, सादा धागा लेकर उसको सुई के अंदर डबल डाल लें उसको भी। पर उसके बाद दोस्तों, जो आपने ब्लैक कपड़ा लगाया हुआ, इसके ऊपर हमने इस तरीके से इवन दो सूत का हम इसके ऊपर सेम धागे से डॉट्स लगाएंगे। जी इस तरह दोस्तों, हम सेम धागे से इसके ऊपर डॉट्स लगाएंगे। जी जी देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से इसको लगा लेंगे। फिर आप इस तरीके से इसको लगा लीजिए। फिर हम डबल कर लेते हैं धागे को, इस टंके को हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको डबल कर लीजिएगा। दोस्तों ये देखिए, आप इस तरीके से हम इसको बेहतरीन तरीके से इसको मुकम्मल करेंगे। दोस्तों आप इसको इस तरीके से मुकम्मल कर लीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारा बेहतरीन तरीके से हमने जो टांका लगा लिया, इस तरीके से आप इसको लगा लीजिएगा। दूसरी साइड पर भी आप इस तरीके से लगा लें। और ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पीस मुकम्मल तैयार कर लिए। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आप इसको फोल्ड करके मुकम्मल कर लें। दोस्तों ये देखिए, हमने फ्रंट पट्टी का फ्रंट पॉकेट भी तैयार कर लिया, फ्रंट पट्टी का पीस भी तैयार कर लिया। हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इस तरीके दोस्तों, आप इसको सिलाई कर डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हमारा सूट भी सिलाई हो चुका है, वो भी देख लें। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत हमारा सूट सिलाई हो चुका है। इस तरीके से बहुत सिंपल सा डिज़ाइन हमने आपको तैयार करने का तरीका बताया है। और उम्मीद करता हूँ सब भाइयों और दोस्तों को जो हमारा डिज़ाइन पसंद आया हो। दोस्तों देखिए, हमारा कॉलर का भी सादा है, वो फ्रंट पॉकेट और फ्रंट पट्टी के ऊपर हमने ये डिज़ाइन तैयार किया है। और उम्मीद करता हूँ सब भाइयों दोस्तों को जो हमारा डिज़ाइन पसंद आया होगा। मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।